बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है जी? तुम सारे ना सुनन ठीक हो? और कैसी गुजरी आप सबकी ईद? में भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईद अच्छी गुजर गई। अच्छा जी, ये व्लॉग है, ये रमज़ान के पहले का है। थोड़ी थोड़ी ठंड थी तब, तो ये मैंने बनाया था। मैंने बताया था ना, मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए हैं जो अपलोड नहीं कर सकी, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। अच्छा, इधर ये मैं बना रही हूँ जी, वाइट मटन पुलाव। अच्छा, वाइट मटन पुलाव ओबियसली जैसे नॉर्मल मटन पुलाव वैसा ही है, सिर्फ वाइट होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस, ये मैंने पहले मटन को बॉईल कर लिया। इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्चें, लहसुन अदरक डाला। उससे ना इसकी जब ये गलता है ना मीट, तो उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो वो गल गया, तो मैंने अब उसको मीट को उससे अलग करूँगी, और फिर वो जो यखनी है ना उसको भी छान लूँगी, ताकि वो जो प्याज एक्स्ट्रा बीच में चीज़ें हैं ना वो निकल जाएँ, यखनी रह जाए। फिर बाद में जब मैं चावल में ऐड करूँगी, ये देखिए मैं इसको छान के ना सारा वो कर लूँगी। ये राइस भिगो के रखे थे, अभी बेसिकली बस प्याज को ब्राउन नहीं करना है क्योंकि वाइट रखना है, तो बस हल्का सा उसको पिंक सा कलर देना है, लाइट सा। और फिर उसमें सब्ज़ मिर्चें वगैरह डाल देनी है। इसमें वैसे खड़े मसाले जाते हैं सारे, ताकि वो कलर, पर मैं खड़े मसाले मेरे पास थे भी नहीं क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती खड़े मसाले राइस में स्पेशली। वो खाते हैं जब बीच बीच में वो चीज़ें मुंह में आती हैं फिर निकालनी पड़ती हैं, तो मैं पिसी हुई गर्म मसाला यूज़ करती हूँ, तो वो मैंने यूज़ किया है। इसमें मैंने ग्रीन चिलीज डाली हैं, नमक जाएगा इसमें, और कोई लाइक टमाटोज़ रेड चिली वगैरह और कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसका कलर वाइट रखना है। तो ये बस गोश्त को अच्छी तरह भून कर इसमें फिर पानी डालकर जैसे पुलाव बनाते हैं वैसे बना दूंगी। पंच देखना जब आप, मैं वो दम से निकालूंगी ना, आप देखना इसका कलर, कलर भी बहुत मज़े का, और अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची में टेस्ट बहुत मज़े का। अब मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसको देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी फिर बनाऊँ, पर अभी तो दिन का टाइम है, गर्मी है बहुत, इंशाल्लाह कल बनाऊँगी। पर सच में ये बहुत ही मज़े का बना था। और हाँ, इसमें ना ये अभी मैं योगर्ट डाल रही हूँ, अभी योगर्ट थोड़ा सा डाल के ना इसको पका के, जब ये योगर्ट पक जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए ना, फिर इसमें मैं एक डब्बी ना क्रीम की डालूंगी, जो नॉर्मली यहाँ तो ज़्यादातर वो गांव में वो मिलती है ना मिल्क पैक वालों की, ऑलपल की जो डब्बे वाली क्रीम है, वो डाल के बस इसकी, इसको भून के इसकी बनाई, अच्छी तरह बनाई करके बस इसकी मैं पानी डाल दूँगी, जितना चावल के हिसाब से जितना पानी डालना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगा मेरा मटन पुलाव तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मज़े का पुलाव तैयार हुआ है। साथ में मैंने थोड़ा सा फ्रेश सैलड भी कट लिया था, और बहुत ही मज़े का था। अच्छा जी, ये अब हम खा के ना पुलाव शलाओ, तो हम जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये छोटी पिदियाँ आ गई थी तो ये भी मेरे साथ गई हैं। मैं जा रही हूँ मेले पे, इधर गांव के पास ही एक मेला लगा हुआ था, उधर गई थी ये। मैं फ़र्स्ट टाइम मैं पाकिस्तान मेले पर गई हूँ, वो भी व्लॉग बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को दिखाऊं गांव में का मेला कैसा होता है। तो चलें जी, चलते हैं मेले पे।
अच्छा जी रश था काफ़ी, तो वो इधर सिक्योरिटी वाले खड़े थे, उन्होंने हमारी गाड़ी इधर ही, बेसिकली सारी गाड़ियाँ इधर ही पा करवा रहे थे कि आगे बहुत रश हो जाएगा मेला। ये दरबार है ऑब्वियसली, इधर छप्पर शरीफ तो उसके पास मेला लगा हुआ है। तो फिर ये जुल्म देखे इनका, मैं यहाँ से वो दरबार नज़र आ रही है वहाँ से मैं चल के गई। ये पाकिस्तानी ना बहुत जुल्म करते हैं मुझे, बड़ी एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा जी ये हम आ गए हैं मेले पे, ये वो दरबार है। दरबार के अंदर मैं गई नहीं थी, झूठ क्या बोलूँ, उसके अंदर नहीं, मैं ये बाहर मेले पे आपको दिखा के, ये देखे ये जो सर पे उठा कर, अब ये क्या है क्यों है मैं इस पे बात नहीं करूँगी कि ये क्या क्या चीज़ें यहाँ होती हैं, किस लिए होती हैं, अल्लाह जाने। मैं बस मेला देखने आई थी, तो हम मेले पे देखते हैं हम कोई आर्ग्यूमेंट वाला या कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, सबकी अपनी अपनी बिलीव्स होती हैं। अच्छा ये बहुत ही छोटा सा मेला था पर प्यारा मेला था। ये देखेंगे इधर वो छोटी सी ट्रेन और आगे नीचे भी थोड़ी सी स्टॉल्स और राइड्स एक दो हैं लगी हुई, बच्चे खुश हो रहे थे जो छोटे थे उनके लिए स्पेशल था ये। बस ऑब्वियसली मेरे लिए ठीक ही था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब क्या कहूँ, आई थिंक आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश नाउ बिकॉज आई डोंट हर्ट सम पीपल्स इमोशन। लाइक व्हेन आई वेंट हियर सीइंग एवरीवन सो एक्साइटेड, इट वाज नथिंग बिग, नथिंग स्पेशल, इट वाज जस्ट अ स्मॉल टाइनी फन फेयर विद लाइक बेबी राइड्स, बट दीज पीपल हियर वर सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी, इट वाज लाइक अ स्पेशल डे फॉर देम। दे लाइक ड्रेस अप, दे वेयर न्यू क्लोथ्स, लाइक एवरीथिंग इज, इट्स एक्चुअली अ वेरी स्पेशल डे फॉर दीज, एंड इट मेक्स यू थिंक एंड रियलाइज The things we take for granted are actually a dream for somebody. I mean, I wouldn't know, in normal cases, I probably wouldn't even go to a place like this. But it was a different kind of experience and it made me realize and appreciate life more. Alhamdulillah, we're blessed. Some of us are blessed with so much, but we don't count our blessings. We concentrate and complain and moan about the things that we don't have. But we don't thank Allah and be grateful for all the blessings that we have in our life. Alhamdulillah, the blessings that we have are dream for some of these people here. But Alhamdulillah, it was a good day. अच्छा जी ये देखें झूले पे आप बैठे हैं, अब आप enjoy करें बाकी वाला मेला।
जी दरबार पे कोई आए हैं, यहाँ बोलते हैं डाली लाए हैं, म्यूज़िक बज रहा है, ढोल बज रहे हैं, लोग साथ डांस भी कर रहे हैं, पैसे भी फेंक रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, किसी कंट्रोवर्शियल बात पे कोई कमेंट्स नहीं करने। ये क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, मुझे भी नहीं पता, बस हो रहा था, आई डोंट नो। एनीवेज, ये मेरा फर्स्ट और आई थिंक लास्ट एक्सपीरियंस था मेले का। इन्जॉय किया, देखा, अच्छा लगा, बट आई डोंट थिंक आई बी गोइंग बैक, इट वॉज़ गुड। अब हम जा रहे हैं कहीं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम वापस घर जाने लगे थे। तो वापस घर जाने से पहले हम थोड़ी देर कहीं के रास्ते में कुछ आएगा तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, वहाँ हम रुकेंगे। अच्छा जी, जो जानने वाले हैं फैमिली वाले, उनसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि अभी थोड़ी देर बाद बाइक में से कोई गुजरेगा, मैं देखती हूँ फैमिली में से कौन कौन पहचान सकेगा। एक्चुअली आई डोंट नो कि वो शायद गुजर गया या अभी वो आएगा आगे बाइक पे। हमने भी वो रियलाइज़ किया था जब बाइक साइड से गुजर चुका ना, तब हमने रियलाइज़ किया कौन है। तो अब देखे हैं हमारी, हाँ अब आई डोंट थिंक वो बहुत फास्ट था, मुझे नहीं लगता आपको नज़र आएगा। ये जो भी बाइक गई है ना, देखते हैं कौन पहचान सकेगा कि उस बाइक पे कौन था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टॉप पे रुकेंगे, तब तक आप देखें ये रास्ता। ये हम रास्ते में रुके हैं, एक कुआं आ गया था ठंडे पानी का, तो इसे देख के मेरा दिल आया कि मैं चलो आज ट्राई करूँ ना, हाथ से इससे पानी निकालूं। और इससे पता नहीं, आई डोंट थिंक पहले कभी निकाला है, या निकाला भी हो शौक़ से कहीं ट्राई किया हो, मुझे याद नहीं है। तो ये अभी मैं इधर से पानी निकालूंगी, फिर हम ये ठंडा, हालांकि तब सर्दी थी, पर ये हम ठंडा कुएं से अपने हाथ से पानी निकाल के पियेंगे बाद में ना। हालांकि एक ही दफ़ा मैंने ये एक ही निकाला था, हाथों पे जाले निकल आए थे बाद का। ऑब्वियसली हम यूज़ टू नहीं है ना ये चीज़, ये जो राउंड सी चीज़ है इसको पुल करने की। इतना वैसे ये लाइट सा था, पर पता नहीं क्यों डर लग रहा था जैसे मैं कुएं के अंदर चली जाऊंगी, पता नहीं कितना हैवी होगा, पर कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, बहुत ही आसान था इसको निकालना। ऑब्वियसली जो ज़्यादा निकालते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, हमने तो शौकिया तो और एक मस्ती करने के लिए एक निकाला था, और फिर हम सब ने ये पानी पिया था। इधर पास में एक घर है ना, वो आंटी, वो लेडी बहुत अच्छी थी, आंटी तो नहीं लेडी थी, बहुत अच्छी थी वो। फिर हमारे लिए गिलास लेके आई थी कि आप उसमें डाल के पानी, वैसे पहले हमने निकाल के ना ऐसे हाथ से पीना था, फिर वो हमें गिलास देंगी थी, अल्लाह उनका भला करे। तो फिर हम सब ने गिलास में डाल के पानी पिया था जी, मज़े का था, ठंडा। अभी दिल कर रहा है फिर वहाँ जाऊँ पानी निकालूँ, पर उफ अभी बहुत गर्मी है, अभी तो बुरा खशर हो जाएगा। तो जी हम पानी पी के यहाँ से फिर निकलेंगे घर की तरफ, फिर व्लॉग भी आई थिंक यही भी होता है, एंड इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें प्लीज़, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।